नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आज आपका YouTube चैनल लाइव पोके पर। आज अपन बात करेंगे कि धनतेरस पर कौन सी छह राशियां हैं जिनके ऊपर कुबेर भगवान अपने धन की वर्षा करने वाले हैं। तो उन छह राशियों के बारे में बताऊंगा और उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनके ऊपर धन की बारिश हो। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो और ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके और आप उपाय कर सके। एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई भी समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली, आपके स्वयं की कुंडली, किसी की भी कुंडली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो कि मैं क्या कह रहा हूं। धनतेरस और दीपावली के दिन कुबेर महाराज छह राशियों को देंगे मनचाही खुशखबरी। आप समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित करने में कामयाब होंगे। आपके रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि सर्वप्रथम जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। अचानक धन लाभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। पार्टनर का मूड अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा। जो आपका जीवन साथी है वह आपकी भावनाओं को समझेगा। स्टूडेंट का मन पढ़ाई में अच्छी तरह लगेगा और लोग कला के क्षेत्र में जुड़े हैं और उन जातकों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। कारोबार में बड़े से सलाह लेकर ही कदम उठाए। ऑफिस में ज्यादा काम करने के लिए मिल सकता है और समाज में आप कोई प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन में नए विचार आएंगे जिससे आप खुश रहेंगे। आप विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कौन सी राशि वालों के राशियां मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। ये सब आप वीडियो ध्यान से सुनिए। लास्ट में आपको बताऊंगा ये कौन सी राशि वालों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। फिर किसी जरूरी काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और मनोरंजक रहेगी। बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। आप कारोबार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। आपको शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। ऑफिस और परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा। कौन सी राशि वालों के लिए, आप राशि ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि, वृषभ राशि, वृषभ वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि के लोग रहेंगे इस धनतेरस को भाग्यशाली। तो इन राशियों के जातकों के लिए अपनी किस्मत का पूरा लाभ मिलेगा। तो उस लाभ के लिए मैं आपको बता देता हूं आपको कौन सा उपाय करना है। धनतेरस के दिन रात को जलाए शिव भगवान के सामने धन के देवता कुबेर भी शिव के सामने रात को दीपक जलाने से ही धन के देवता बने थे। तो कहने का मतलब रात्रि के समय में भगवान शिव के सामने आप दीपक जलाए, मिट्टी का दीपक ले, उसमें घी का दीपक जलाए, क्योंकि धन के कुबेर भी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के लक्षण रहे और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और वो रोज का रोज रात्रि के समय भगवान शिव को मिट्टी का दीपक का तेल जो घी का होता है वो दीपक जलाते थे। इस वजह से भगवान शिव की कृपा से ही वह धन के देवता बने हैं। कुबेर भी शिव के सामने रात को दीपक जलाने से ही धन के देवता बने हैं। इसलिए जो व्यक्ति रात को भगवान शिव के सामने दीपक जलाता है उस पर कुबेर देवता विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए आप लगातार रात के समय शिव भगवान के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। क्यों, ध्यान से सुनिएगा। धन के देवता कुबेर को भगवान शिव का द्वारपाल भी बताया जाता है। वैसे कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, किंतु अपने ब्राह्मण गुणों के कारण उनके अंदर जो गुण थे वह ब्राह्मणों के गुण थे, तो कुबेर देवता भी बनाए गए। किसके कारण, ब्राह्मण के गुणों के कारण भगवान शिव ने उनको कुबेर देवता का पद दिया गया। अब आप लक्ष्मी जी की पूजा तो काफी करते होंगे, लेकिन कई बार मात्र लक्ष्मी जी की पूजा से व्यक्ति को धन लाभ नहीं होता है। तो ऐसे में धन के देवता को कुबेर को भी प्रसन्न करने के लिए आप भगवान शिव के सामने जरूर दीपक जलाएं। फिर जो आप चांदी का सिक्का लाए हैं, तो एक कुबेर यंत्र के एक चांदी का सिक्का आता है,
वो भी आप खरीद करके लाए। खरीद करके लाने के बाद उसको आप पूजा स्थान में रखें, उनकी पूजा करें, और जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर उसको है स्थापित कर दीजिए। दोनों पति पत्नी सर्वप्रथम पंचोपचार पूजन करें, दूध दही घी शक्कर और शहद से पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं, स्नान करवाने के बाद उसके ऊपर कुमकुम का तिलक दें, किसके ऊपर, कुबेर यंत्र जो चांदी के ऊपर मंडा हुआ या कुबेर का कोई सिक्का हो चांदी का वह आप जरूर घर पर लाएं, उसके ऊपर तिलक करें, उसको लाल कपड़े में आप बांध दीजिए। लाल कपड़े में बांध करके जहां पर आप धन रखते हैं, जहां पर आप पैसा रखते हैं, वहां पर उसको स्थापित कर दीजिए। और यदि आप छोटा सिक्का लाते हैं तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। कुबेर यंत्र का सिर्फ एक सिक्का आता है, उसको भी आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, तो पैसों संबंधी कमी कभी भी नहीं आएगी। तो जो मैंने ये उपाय बताए हैं उन 6 राशि वालों को तो करना ही है, साथ ही साथ जो 12 राशियां हैं उन सभी सभी को यह उपाय करने से 12 की 12 राशियों को अच्छा फल मिलेगा। क्या करना है, एक तो भगवान शिव के सामने धन त्रयोदशी को रात्रि के समय में 9 बजे से लेकर के रात्रि को 1 बजे के बीच में ये दीपक प्रज्वलित करना है भगवान शिव के सामने, ताकि भगवान शिव आपके ऊपर पूर्ण धन की कृपा कर सके। इसी के साथ ही एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई भी समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके घर में अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, और कोई भी कार्य हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप पर संपर्क करें। इसी के साथ ही आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।